नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप रोज ऐसी कथाओं का आनंद ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सतयुग की। सतयुग में सत्यव्रत नाम का एक बहुत ही धार्मिक और प्रतापी राजा रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया और स्नान करते करते उसने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा, परंतु जैसे ही उसने जल में हाथ डाला, जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी उसमें आ गई। राजा ने उस मछली को पानी में डालकर फिर से जल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और मछली फिर से उसमें आ गई और उसने राजा से कहा, हे प्रतापी राजा, मैं मुसीबत में हूँ। राजा अचंभित उठा और उसने उस मछली से पूछा कि तुम बोल कैसे सकती हो, तुम तो मछली हो। मछली ने कहा, मुझे बोलने का वरदान है, कृपया मुझे यहाँ से बचा लीजिए, अन्यथा मुझे बड़ी मछलियाँ यहाँ खा जाएंगी। राजा को दया आ गई और उसने उस मछली को अपने महल में लाकर एक पानी भरे बर्तन में डाल दिया। कुछ ही दिनों में मछली को वह बर्तन छोटा पड़ने लगा। राजा ने यह देखा और उसे बड़े स्थान में पानी भरकर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वह फिर बड़ी हो गई और राजा ने उसका स्थान फिर से बदल दिया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, परंतु राजा ने देखा कि मछली प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक ही बढ़ रही है और आखिरकार मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो गया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मछली से कहा कि तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, तुम कौन हो? मछली ने कहा कि तुम सदा ही मेरा दर्शन चाहते थे और अब पहचान नहीं रहे। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे प्रभु, आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मछली ने कहा, कुछ ही दिनों में सतयुग का अंत होने वाला है, मूसलाधार बारिश होगी और सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तुम एक बड़े से जहाज पर अच्छे लोगों और सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़ों और सभी प्रकार के बीज लेकर चढ़ जाना। मैं इसी रूप में आऊँगा और सर्पराजवासु की को रस्सी बनाकर तुम्हारे जहाज को सुरक्षित रखूँगा। नारद सत्यव्रत ने पूछा कि प्रभु, आखिर आप मछली के रूप में क्यों हैं? मछली ने उत्तर दिया, मेरा कार्य मात्र तुम सबकी रक्षा करना है और एक दैत्य का वध जिसका नाम है हयग्रीव। तो दोस्तों, यह हयग्रीव कौन था, आखिर उसका वध क्यों हुआ, जानेंगे इसी कहानी के दूसरे हिस्से में। आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।